नमामि गंगे प्रोजेक्ट साइट पर करंट फैलने से लगभग 16 लोगों की मौत होने और 7 लोगों के झुलसने की घटना से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का जमकर विरोध करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। खटीमा नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के बाद जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर अचानक करंट फैलने से हादसे में 16 लोगों की मौत होने और 7 लोगों के करीब झुलसने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नगर अध्यक्ष रविश भटनागर ने पुतला फूंकने के बाद कहा कि सरकार सिर्फ दिखावा करके आम जनता का ध्यान भटकाने में लगी है। घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। घटना उत्तराखंड में हुई है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो बीजेपी का बहुत चर्चित प्रोजेक्ट है, जो कई बार घोटालों में भी आ चुका है, उसमें चल रहे कार्य को देखते और लापरवाही के चलते हुए कल 15 लोगों की घटना में मौत हुई है, जिसमें हमारे पुलिस के 5 जवान भी शामिल है और उनकी मौत हुई है। और शासक प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते ये घटना घटी है, जिसमें परसों रात एक कर्मचारी की मौत हुई थी और पूरी रात शासक प्रशासन को उसके बारे में पता ही नहीं चला। जब सुबह वहाँ की पब्लिक पुलिस के साथ में गई है तो और उसके जाने के बाद उनकी सूचना होने के बाद ही बिजली सुचारू कर दी गई, जिससे हमारे 15 लोग अपनी जान गंवा दी और कई लोग उसमें घायल हैं। इतनी बड़ी लापरवाही आज तक के उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। भाजपा सरकार मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं और इसके साथ साथ जो लोग खत्म हुए उनके परिवार को 10-10 लाख का मुआवजा और 1-1 सरकारी नौकरी की हम कांग्रेस से मांग करते हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।